मैं सहाबा की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं नबियों और पैगंबरों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बातें कर रहा हूं जिनको हम और आप सब जहन्नमी समझते हैं। और एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि जिनको हम जहन्नमी समझ रहे हैं उनकी दुनिया में तरक्की का राज क्या है। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि ये जहन्नमी है इसलिए अगर ये ईमानदार है तो मैं दुनिया में भी इसको नहीं जीने दूंगा, ये अल्लाह का कानून नहीं है, ये मुसलमान की तमन्ना है, अल्लाह का कानून नहीं। एक इंसान टोक्यो में सवार हुआ जापान के कैपिटल में एक टैक्सी में, और उसके टैक्सी ड्राइवर से उसने कहा कि मुझे यहाँ का जो बड़ा हॉस्पिटल है उसके करीब फला इंस्टीट्यूट है वहाँ जाना है। वो समझ गया टूटी फूटी जबान में, ड्राइवर ने टैक्सी ड्राइवर ने एहतराम के साथ बिठा लिया। आपको हैरत होगी ये भी कि वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स का एक कल्चर है कि जब आप टैक्सी रोकते हैं और उस पर बैठने की बात करते हैं तो ड्राइवर पहले आपके सामने ताज़ीम का सर झुकाता है तब टैक्सी में बिठाता है, बहुत रेस्पेक्टफुली सर झुकाना, ये वहाँ के कल्चर में दाखिल है। गाड़ी में बैठ गया वो अल्लाह का बंदा, थोड़ी देर के बाद उस शख्स ने देखा कि टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी के मीटर को बंद कर दिया। बहुत हैरत हुई, लेकिन क्योंकि जबान नहीं जानता था तो कुछ ज्यादा कुछ पूछ पाछ नहीं सका, समझ नहीं सका। तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद फिर उसने मीटर ऑन किया, तो जब वो मुसाफिर अपनी मंजिल पे पहुंचा तो वहां मुकामी लोगों ने जो इस्तकबाल किया वो सब वहीं के लोग थे, वहां की जबान जानते थे। तो इस मुसाफिर ने उन मुकामी लोगों से कहा कि जरा ड्राइवर साहब से पूछिए कि इसने रास्ते में 2-2.5 किलोमीटर तक के लिए मीटर बंद क्यों रखा। मैं तो पूरा पेमेंट करना चाहता हूं, इसने मीटर दरमियान में बंद क्यों किया। तो उस टैक्सी ड्राइवर का जवाब था कि असल में मुझे जहां से मुड़ना था मैं जरा सा चूक गया और मैं वहां से आगे बढ़ गया, तो 2-2.5 किलोमीटर पहले वहां से कोई टर्न नहीं था, तो जो मसाफत मैंने अपनी गलती से बढ़ाई उसके पैसे मैं मुसाफिर से नहीं ले सकता। ना उसने चिल्ला लगाया था, ना वो नमाज पढ़ता था, ना वो कलमा पढ़ता था, ना उसकी दाढ़ी थी, ना जुब्बा था, न टोपी थी, न पगड़ी थी, मगर ईमानदारी थी। हमारे पास ये सब है और ईमानदारी नहीं। बर्नार्ड शॉ का मशहूर जुमला है कि मैंने यूरोप में इस्लाम देखा और मुसलमान नहीं देखे, और मैंने अरब मुल्कों में मुसलमान देखे और इस्लाम नहीं देखा। हम मुसलमान तो जरूर हैं मगर इस्लाम हमारे पास नहीं है। मुझे साफ कहने दीजिए कि हमारे पास इस्लाम नहीं, इस्लाम पगड़ी का नाम नहीं है, इस्लाम कुर्ते पजामे और दाढ़ी का नाम नहीं है, इस्लाम सच बोलने का नाम, इस्लाम ईमानदारी का नाम, इस्लाम सही नापने और तोलने का नाम है, इस्लाम वादा पूरा करने का नाम है, इस्लाम वक्त की पाबंदी का नाम है। इस्लाम किसका नाम है?